मित्रों, आप सबका आज की इस पीसी में स्वागत है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी ने और एनडीए ने श्री रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है ही, साथ साथ इस देश के दलित समुदाय से संबंधित होने के नाते यह अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश को और इस देश के दलित समुदाय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महत्व देकर के और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में उनका चयन किया है। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी इस समय बिहार के गवर्नर हैं। एक लंबा सार्वजनिक जीवन उनका रहा है और उनकी सेवाओं को देखते हुए एक दलित को उत्तर प्रदेश के गांवों में पले हुए एक अत्यंत गरीब परिवार के व्यक्ति को यह सम्मान देना वास्तव में उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का तो सम्मान है ही, साथ साथ इस देश के दलित समुदाय को सर्वोच्च सम्मान भी है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर एक दलित समुदाय के व्यक्ति को बिठाने और उन्हें सम्मान देकर के देश के अंदर एक नई सामाजिक चेतना का जागरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो प्रारंभ हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से यह अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश के लाल श्री रामनाथ कोविंद जी को जो ये सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दिया है, इसको देखते हुए सभी लोग दलगत भावना से ऊपर उठ करके श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने में अपना योगदान दें। ये मैं सबसे व्यक्तिगत रूप से भी और सरकार की ओर से भी अपील करूंगा, क्योंकि एक अवसर होगा कि जब उत्तर प्रदेश का कोई लाल इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान होगा, ये हम सबके लिए गौरव का क्षण होगा। और मैं इसके लिए बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को ये सम्मान दिया है। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिए तो गौरव का विषय है ही। इस देश के अंदर दलित समुदाय के लिए भी इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उन्हें बैठने का एक अवसर श्री रामनाथ कोविंद जी के माध्यम से प्राप्त होगा। मैं इसके लिए एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से अपील करूँगा कि श्री रामनाथ कोविंद जी के समर्थन में वे सब दलगत भावना से ऊपर उठ करके उन्हें समर्थन दे करके राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें अपना समर्थन और अपना सहयोग दें। धन्यवाद।